Assalamualaikum and Assalamualaikum. Monday, सुबह सुबह नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ मेरे दिन का आगाज हो गया है और मैं जा रही हूँ ऑफिस. इस वक्त टाइम हो गया है तकरीबन 11 बजे. मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है और मैं जा रही हूँ ऑफिस. और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लाहौर शहर में हो और ट्रैफिक में स्टक हुए बगैर आप कहीं भी अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं. ऐसा मुश्किल होता है क्योंकि लाहौर शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वसाइल हमारे पास उतने हैं नहीं, रोड्स उतनी की उतनी हैं, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो फिर ट्रैफिक का स्लो होना या फिर ट्रैफिक का स्टक होना अब हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है और अब इसकी हमें आदत हो चुकी है. खैर, वापस आते हैं जी. मैं जा रही हूँ ऑफिस और आज का वीलॉग क्या होने जा रहा है, मैंने सोचा कि आज आपको आउटडोर शो की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं क्योंकि मैं एक आउटडोर प्रोग्राम करती हूँ और रिकॉर्डिंग कैसे होती है. टॉपिक तकरीबन कोई 2-3 रोज पहले थर्सडे फ्राइडे को मेरी नज़रों से गुजरा था कि शादरा पासपोर्ट ऑफिस में बड़ी शिकायत थी, बहुत सारे लोगों को मसाइल थे और शिकायत वहाँ से आ रही थी कि एजेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कि बेचारे सादा लोग जो शहरी हैं उनको लूट रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं. और ये सारे मसाइल थर्सडे फ्राइडे को सामने आए थे. तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये एक अच्छा टॉपिक है और इस पर प्रोग्राम होना चाहिए और अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ बेहतरी आ सकती है तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए. फिर हमने डिसाइड किया जी चले मंडे को इस पर प्रोग्राम करते हैं. तो फिर आज हम निकल आए हैं जी इस टॉपिक पे प्रोग्राम करने के लिए. ऑफिस जाना है, तैयारी शैयारी करनी है, उसके बाद जो है वो हमने जाना है आउटडोर शो की रिकॉर्डिंग के लिए. आज आपको दिखाते हैं कि ये जो आप घर पे बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं ना, कैसा कुछ अच्छा अच्छा एकदम से जो है वो आपके सामने आ रहा होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं और किन किन प्रोसेस से गुजर के वो रोड शो आप तक पहुंचता है. आज के व्लॉग में आउटडोर शो की रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं. मेरे साथ रहिए, आ जाइए. और एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं आपको बता दी, मुझे हंसी आ गई. मैं एक जगह पे रिकॉर्डिंग कर रही थी प्रोग्राम की और वहां पे ना थोड़ी सी ट्रैफिक स्टक हो गई, वहां पे ना थोड़ी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई. अब एक अंकल बड़े गुस्से में, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही और किसी शहरी से बात कर रही थी, उसके आगे माइक था. एक अंकल इतने तप्पे में आए, इतने गुस्से में, इतने तप्पे में आए, आगे कहते अब पता नहीं केड़े लोकी ने जरा बीबिया गड्डिया फड़ा के बाहर कर देंगे, सारे ट्रैफिक का बेड़ा गर्क कर देता. ओ माई गॉड, इंटरव्यू छूटा मेरा, हर सस के बुरा हाल, हर सस के बुरा हाल, हर सस के बुरा हाल. क्या हो गया भाई, चंद लड़कियां, चंद फीमेल कितने परसेंट होंगी, मेरा ख्याल है कोई मर के जो है वो 5% भी नहीं होंगी जो कि लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर ड्राइव कर रही है. तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लेकिन मैं अपना अंदाजा बता रही हूँ. लेकिन उसके बावजूद भाई पता नहीं लोगों से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है. आप बताइए आपका इस बारे में क्या राय है, खवातीन को ड्राइव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर खवातीन से कोई गलती हो जाती है दौरान ड्राइविंग तो उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जानी चाहिए, थोड़ा सा उनको लेवरेज मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के मामले में हम लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, आबादी के मामले में हम मेजोरिटी में है इस वक्त. तो इसलिए जब ड्राइविंग के मामले में हम माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटीज को थोड़ा सा तो हक मिल जाना चाहिए. क्या ख्याल है बताइए जरा. मैं बस ऑफिस पहुंचने वाली हूँ, ऐसे मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने कहा चले ये भी आपके साथ डिस्कस करते हैं. टुडे इज मंडे, यानी इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे, एक नई सुख के साथ, नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे दिन का आगाज हो गया है. ऑफिस में पहुंच गई हूँ, तैयारी मैंने कर ली है और अब जा रहे हैं आउटडोर शूट के लिए, अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए. आज कहाँ जाने वाले हैं, क्या टॉपिक है, टॉपिक मैंने चूज कर लिया है और मतलब मैंने और मेरे टीम मेंबर ने हमने मिलकर टॉपिक चूज किया है क्योंकि कई दिनों से बड़ी शिकायत आ रही थी एक जगह की. तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना उसी पर प्रोग्राम किया जाए, उसी मसले को हाईलाइट किया जाए. हर रोज प्रोग्राम करना होता है, हर रोज कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिल जाए, कुछ ना कुछ नया इश्यू मिल जाए जिसको हाईलाइट कर सके. ये एक तरह की जॉब भी है मेरी, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सनल कोशिश होती है कि यार अगर आपकी जॉब भी है और अगर आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, अगर लोगों के मसाइल उजागर कर सकते हैं और अगर आपके वसीले की वजह से किसी की कोई हेल्प हो सकती है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो हेल्प लोगों की कर दी जाए. जॉब तो है
नौकरी तो है लेकिन उसके साथ साथ एक तरह का नेकिया कमाने का जरिया भी है। हम पूरा लाहौर शहर घूमते हैं और समटाइम तो ऐसा होता है लाहौर से बहुत दूर दूर भी निकल जाते हैं, यानी कि प्रोग्राम रोड शो करने का मकसद यही होता है कि जहां पर भी हमें इश्यूज नजर आते हैं, जहां पर भी हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, कोशिश होती है कि वहां पर जाया जाए और उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए। तो आज भी हम बहुत दूर जाने वाले हैं और वहां से मुसल शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं। तो आज मैंने किस इलाके में जाना है, प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, आ जाइए मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको। गाड़ी लग गई है, टीम मेंबर्स की कॉल आ गई है कि मिस बाहर आ जाए, तो हम जा रहे हैं बाहर। लेकिन उससे पहले थोड़े से जी टिश्यू ले लिए जाए और उसके साथ साथ मुझे क्या लेना है जी, उसके साथ मुझे अपनी पानी की बोतल लेनी है और क्या चाहिए जी, और चाहिए मोबाइल और चाहिए मुझको ग्लासेस। ये हमारी चीजें हो गई हैं पूरी और अब हम जा रहे हैं आउटडोर रिकॉर्डिंग पर। आ जाइए जी, आ जाइए जी, आउटडोर रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, आउटडोर रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। अवैस मुझे न्यूज़पेपर नहीं देके गए, कैसे हो भाई, ठीक हो? रोज कॉल करूंगी तो न्यूज़पेपर आएगा। अभी आज नहीं आया, मैंने कहा वो खुद ही दे जाता होगा, मैंने उसको दो तीन दफा कहा कि न्यूज़ इधर मेकअप रूम में देके जाओ। मुझे लगा मैं रोज आपको कॉल करूंगी तो पेपर आएगा मेरे पास। हाँ जी, आज जरा उसे कह दो हर रोज पेपर चाहिए मुझसे। लीजिए, ये हमारी गाड़ी लग गई है, टीम मेंबर्स मेरे पूरे हैं और मेरा इंतजार हो रहा है। तो लीजिए, हमारी रिकॉर्डिंग के सफर का आगाज हो गया है। हमने सादरा लेना है, आजादी ब्रिज से होते हुए हम ये रावी पुल पे पहुंच गए हैं और रावी पुल पे वही चील गोश्त, वही कहानी, वही शोर शराबा, कितने सारे एक्सीडेंट यहाँ पर इसी वजह से हो जाते हैं, लेकिन लोग हमारे बाज नहीं आते। हालांकि बेहतरीन सदका है किसी को खाना खिलाने का। रावी पुल से होते हुए हम जा रहे हैं जी शादरा, शादरा जाते हुए जो मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर ये पुल बने हैं, इसकी वजह से भाई ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया, वरना तो शादरा जाना यकीन जाने बहुत हेक्टिक होता था, लेकिन बेहतर है। अभी जा ही रहे थे, ये रिक्शा नज़र आया, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये शॉपर क्यों बांधे हुए हैं, इसके अंदर जूते हैं, परांदे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं कितनी देर अभी उस पर फोकस करी थी और ये आ गया जी। सदके जावा पर हाथ ना आवा। हम यहाँ पर पहुंचे हैं जी पासपोर्ट ऑफिस पे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही समझ गए ना, आहो यहाँ पे तो यार रावी चैन लिख रहा है, जबकि मेरे पास खबर ये थी कि पासपोर्ट दफातर के बाहर जो है वो बहुत ज्यादा रश है और शहरी बहुत ज्यादा है, एजेंट माफिया का राज है, एजेंट लूट रहे हैं, परेशान है लोग। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे और इसी वाले जो पासपोर्ट ऑफिस की खबर मेरे पास थी, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो रावी चैन लिख रहे हैं, सुकून माहौल है, कुछ लोग हैं, एजेंट्स भी नजर नहीं आ रहे, कोई मसला मसाइल ही लग नहीं रहा। ऐसा हो जाता है, ये रूटीन की हिस्से हैं, ये रूटीन की चीजें हैं, ऐसा भी हो जाता है। हो सकता है कि कल बहुत ज्यादा शहरी आए हों यहाँ पर और बहुत ज्यादा मसले मसाइल हों, आज नहीं है कल परसों फिर ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। खैर, जो एजेंट वाली कहानी है वो मुझे इसलिए मानने में आती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ पासपोर्ट दफातर के बाहर, आप नादरा ऑफिस के बाहर चले जाएं, आप चले जाएं जी एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाहर चले जाएं, एजेंटों ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ, यानी कि जो काम आप दफ्तर से करवा सकते हैं वो आपको एजेंट के थ्रू 1,000-1,500-2,000 रुपए दे के करवाना पड़ता है, जिसमें इदारों की मिली भगत शामिल होती है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम ये वाला तो हो गया है हमारा कैंसिल, क्योंकि मेरा प्रोग्राम चलता है लोगों के साथ और मेरे प्रोग्राम में जब तक लोग नहीं होते प्रोग्राम नहीं होता। रोड शो का मकसद ही ये है कि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लोग नहीं है। लीजिए जी, ये है जी पासपोर्ट ऑफिस की कहानी जो कि शादरा में है। यहाँ तो देखे ना होने के बराबर लोग हैं और एक घंटे का प्रोग्राम निकालना, बहुत सारे लोग होंगे उनसे बात होगी तो एक घंटे का प्रोग्राम निकलेगा। तो फिर हमने ये कर दिया है जी टॉपिक कैंसिल, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि आज इस टॉपिक पे हम प्रोग्राम कर पाएंगे, फिर किसी दिन जिस दिन रश होगा उस दिन इस मसले को हाईलाइट करेंगे। प्लान करके अब हम क्या करेंगे, नया टॉपिक सोचा है हमने, नया टॉपिक ये सोचा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम शिप उनको मिल गई है और दूसरी बार जब उनको वजीर आजम शिप मिली है तो कैसा रहेगा उनका ये वाला टेन्योर, लोग इस बारे में क्या समझते हैं, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को कितनी उम्मीद है, क्योंकि पीडीएम वाले जो 16 महीने थे उससे तो लोग बहुत नाखुश रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहा है। ये टॉपिक हमने डिसाइड किया है,
आज करते हैं प्रोग्राम। टॉपिक डिसाइड करने के बाद हम जी वहाँ से निकले और देखा कि कोई भी करीबी मार्केट मिलती है वहाँ पर रुकते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और फिर ऑफिस चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही हम जा रहे थे तो हमें ये नज़र आ गया, ओ माय गॉड, इतनी गंदगी, नाले बंद, जगह जगह गंदगी के ढेर। एक बार फिर से हमने अपना टॉपिक चेंज कर लिया। हमने सोचा कि नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज इन एक्शन है और 5 रोज़ पहले ही उन्होंने कहा है जी पूरा पंजाब, पूरा लाहौर शहर साफ होना चाहिए। 1 महीने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है जी किसी तरह की कोई भी गंदगी नहीं नज़र आनी चाहिए। तो क्यों ना इस मसले को उजागर किया जाए कि यहाँ पर भी नज़र पड़ जाए किसी की और यहाँ की भी सफाई हो जाए। एंकर्स लाइव, जर्नलिस्ट लाइव, सिर्फ शशका नहीं होता, ये सब कुछ भी होता है, ऐसे होते हैं प्रोग्राम्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जॉब है दिखाना कि ये इश्यू है और इनकी वजह से लोगों को इतनी परेशानी है, जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये होती है जी सहाफियों की जिंदगी, ऐसे चंद मिनट यहाँ पर खड़े होना मुहाल था। ये सामने जो है गर्ल्स कॉलेज है, साथ ही बिल्कुल मस्जिद है और इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतना ताफुन फ़ज़ा में, इतनी ज़्यादा गैसेस, इतनी आलूदगी, परेशान हो गई मैं यहाँ पर। और जो आसपास की हमारी फीमेल्स हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, वो भी आके शिकायत कर रही थी। ये लोग परेशान थे, फ़ौरन से पहले लोगों ने कहा कि गंदगी के बारे में बात हो रही है, लोग जमा होना शुरू हो गए। और ये अब मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ कि यहाँ पर कब सफाई होती है, कब वो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी महकमा आया हो, चाहे वो इरिगेशन की जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले ये कैनाल हुआ करती थी और अब इसको गंदा नाला बने हुए भी अरसा हो गया है, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? महकमा इरिगेशन की है, वासा की है, ज़िला इंतज़ामिया की है, जिसकी भी है, आखिर सफाई होती है या नहीं होती? और लोग मुसलसल ये बता रहे थे कि यहाँ पर साल हर साल जो है वो सफाई करने कोई नहीं आता। और अब जब वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया है तो फिर देखते हैं कि इस मसले को हल किया जाता है, यहाँ की सफाई होती है या नहीं होती। तो फिर इसी पे आज का हमने प्रोग्राम किया, इसी पर बात की, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया और आज हमने आपको ये दिखा दी है सिचुएशन अपने प्रोग्राम के ज़रिए। और फिर अगला प्रोग्राम भी हमने प्लान कर लिया कि जब ये अल्टीमेटम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और फिर दिखाएंगे कि जो नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम साहिबा ने एक्शन लिया था, सफाई का बोला था, वो किस हद तक मसला हल हुआ या किस हद तक नहीं हुआ। ये बच्चियाँ इतनी शिकायत कर रही थी और कह रही थी जी ना तो कॉलेज में उस तरह की सहूलियात इनको मिल रही हैं और यहाँ पर बाहर जो गंदगी है, जो मसाइल हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। बेचारियाँ डरते डरते बात कर रही थी कि कहीं कॉलेज से कोई एक्शन ना ले लिया जाए, लेकिन भाई बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो हमारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। ये एंकर लाइव, ये है एंकर, इसे कहते हैं जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है कि आपका शशका है बस तैयार हुए स्टूडियो में बैठे काम शाम किया, ऐसे होता है भाई काम। ओ माय गॉड, ऐसे होता है काम, ऐसे ये भी आना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका बच्चे इधर हो, सफाई करते हैं ना, उनका जितना मैं करते हैं सफाई नहीं करते, ऐसे में कोई डोले लाते हैं कड़े मुकाबले वाली, इधर इधर दो लगाए आखिरकार तीसरा टॉपिक चेंज होने के बाद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो गई और अब हम जा रहे हैं वापस अपने ऑफिस। सबकी बस हो चुकी है, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बार टॉपिक चेंज करना पड़ जाए, सिचुएशन बदल जाए, ऊपर से हम इतनी दूर शादरा निकले हुए थे। बस हो गई। आखिरकार प्रोग्राम करके मैं वापस ऑफिस आ गई हूँ और अब मेरे बस अपने बैग्स उठाने हैं और सीधा मैंने चले जाना है जी घर। आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आई एम गुड। आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो? बच्चों मेरे बैग ले आओ भाई, 5 मिनट है, फौरन से मेरे बैग ले आओ।
निकाल लाओ भाई, निकाल लाओ, निकाल लाओ मेरे बैग, निकाल लाओ। जिस दिन भी हमने शादरा जाना होता है ना, शादरा जिस दिन हमारा प्रोग्राम का प्लान होता है उस दिन हमारे साथ यही होता है। और उसी दिन मैं अपनी टीम से पूछ रही होती हूँ, आज किसकी शक्ल देख के हम ऑफिस से निकले हैं जो आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम कोई बात नहीं, आउटडोर शो इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है और इस तरह जो है स्मूथली आप टीवी पे चलता हुआ प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, वो इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। अभी उस प्रोग्राम की सारे की एडिटिंग होनी है जो मेरे टीम मेंबर्स ने करवानी है, प्रोड्यूसर ने, असिस्टेंट प्रोड्यूसर ने करवानी है। मेरी छुट्टी है, मैं अब घर जा रही हूँ।